सारे काटता हूँ। सारे मत काटियो। मेरे को लड़की लग रहे हैं आप, है ना? बार्बी का न्यू व्लॉग। तो गाइस आज हम यहाँ पर बैठे हैं और चाय पी रहे हैं। बड़े मम्मी, सरदा, मैं, अम्मा, बड़े पापा वहाँ पानी भर रहे हैं कूलर में। स्वागत है आप सबका चाय चाय विद पीयूष जोशी सरो जोशी व्लॉग्स में। तो गाइस मैंने सरदा को दोबारा माफ कर दिया है। आज भी मैं साहिल को ही लेके जाऊंगा घूमने के लिए। जैसे कि आपने लास्ट व्लॉग में देखा, साहिल के साथ बहुत मजा आया। आज भी मैं पीयूष को ले जाऊंगा, बिकॉज ये हरकतें करता है। क्यों, मैं भी आऊंगा। आज बड़ी मम्मी को लेके जाऊंगा। ब्लॉग बनाने चलोगे? तो गाइस वेलकम टू ब्लॉग। तो आप ब्लॉग क्यों बोलते हो? ब्लॉग होते हैं। गजब बेइज्जती है। हाँ हाँ, मैंने लास्ट ब्लॉग में बोला था कि मेरे को कुछ पूछना है आपसे, वो मैं पूछना ही भूल गया आपसे लास्ट ब्लॉग में। तो चलो मैं आप पूछता हूँ, पूरी फैमिली बैठे हैं यहाँ पे, सबके सामने पूछता हूँ मैं। जैसे कि आपने देखा होगा ब्लॉग्स में मेरे, मैं आप सबको बोलता हूँ गाइज, सो गाइज ऐसे थोड़ा अजीब सा लगता है। तो मैंने दो वर्ड सोचे हैं, उनमें से आप कमेंट करके बताना कि मुझे क्या बोलना चाहिए आपको। एक वर्ड मैंने सोचा है। क्या? मेरे भाई और बहनों। मोदी जी बोलते हैं ऐसा? नहीं नहीं नहीं, पागल है। नहीं नहीं, पागल है। भाई और बहनों। नहीं गाइज, ये नहीं है। दो वर्ड है मेरे पास, उनमें से आप कमेंट करके बताना। एक तो है व्यूअर्स, जो कि सब बोलते हैं यूजली व्यूअर्स। ये भी थोड़ा सा, ये कमेंट के बताया भी था किसी ने कि आप व्यूवर्स बोल सकते हो। सेकंड है फैमिली, कि बात बात पे मैं आपको फैमिली बोलूं या व्यूवर्स बोलूं। जैसे बोलता हूँ ना, सो गाइस अभी हम कर रहे हैं, फैमिली अभी हम कर रहे हैं, व्यूवर्स अभी हम कर रहे हैं। तो कमेंट बताना व्यूवर्स या फैमिली। मैं पोल भी डाल दूंगा, तो उस पर सबसे ज़्यादा वोट जिसके होंगे मैं वही बोलूँगा, फैमिली या व्यूवर्स। मेरे ख्याल से ना फैमिली ज़्यादा अच्छा है। फैमिली 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 अभी पीयूष की बेइज्जती होगी, फैमिली अभी पीयूष की बेइज्जती मम्मी करेगी, ऐसा कुछ बोलेंगे। आप किसकी तरफ हो ये बताओ, फैमिली या व्यूअर्स? ये भाई क्या बोलूं? दोस्तों। मम्मी को नहीं पता। दोस्तों तो थोड़ा पुराना सा है। पीछे आप बता। बताऊं? मेरे को फैमिली अच्छा लगा। फैमिली ठीक है। अम्मा फैमिली बोल, क्या फैमिली कहो? फैमिली परिवार हो गया ना, परिवार। ये क्लास से ये होगा परिवार। मम्मी को नहीं पता, मम्मी को नहीं पता। ज्यादा वोट उस पे ही आएंगे, फैमिली पे। देखते हैं पक्की बात। दोस्तों का मतलब क्या है? दर्शकों। व्यूवर्स का मतलब होता है दर्शक, जो भी मेरी वीडियोस देखते हैं वो सारे व्यूवर्स हैं। कुनाली खेत में रोपा लगा रहा है। इस टाइम पे ना हमारे गांव में खेत में रोपा लगता है, तो वही कुनाली की वीडियो आई है वहाँ की। लॉकडाउन ना होता तो हम भी जाते, हम भी लगाते रोपा, मजा आता खेत में, पहाड़ों में। इसे देख के ना बहुत अजीब सा हो रहा है। आपको कुनाली से मिला देते जो लोग बोल रहे थे, जो लोग मेरी वीडियोस काफ़ी टाइम से देखते हैं उनको पता होगा कुनाली कौन है, पीयूष का भाई छोटा वाला। दिखाता हूँ आपको वीडियो, स्क्रीन पे दिख रही होगी आपको, चला देता हूँ मैं, देख लो। हर वीडियो पे आप कमेंट करते रहते हो, पीयूष कौन है, पीयूष आपका रियल ब्रदर है, रियल ब्रदर है। गाइस इतनी बार बता दिया मैंने आपको, ये मेरा रियल ब्रदर नहीं है, बट रियल ब्रदर से भी ज़्यादा है। जैसे ये है मेरा, है मेरे चाचा का लड़का, ठीक है, जो कि गांव में रहते हैं। काफ़ी लोग बोलते हैं इसके मम्मी पापा से मिला हो, तो कैसे मिला हो, गांव में रहते हैं यार, कैसे जाए, हम कोरोना हो रहा है कैसे जाए, मेरा मन था जाने का। अभी ना वैसे हमको आदत लग गई गाइस गाइस बोलने की, गाइस अपने आप मुँह से निकल जाता है। तो अगर फैमिली वगैरह बोलने के लिए ना आदत बनानी पड़ेगी हमको। तो फैमिली अभी हम व्लॉग कर रहे हैं, वाह कितना अच्छा लग रहा है, बट याद नहीं रहेगा, देखिए बीच बीच में हम गाइस ही बोल देंगे। फैमिली अभी का सीन ये है, अभी मेरे को कटवाने बाल क्योंकि काफ़ी बढ़ गया देखो, तो मैं थोड़े आगे से यहाँ से कटवा लेता हूँ, यहाँ से मुझे पसंद है थोड़ी कलम लंबी, और पीछे से कटवा लेता हूँ। तो साहिल काटेगा आज मेरे बाल फर्स्ट टाइम,
तो देखते हैं बस ख़राब ना कर दे, मैं बोलूँगा उसको आगे कैसे काट दे। तो वैसे यहाँ पे सैलून खुले पड़े हैं बट मेरे को थोड़े से कटवाएं तो साहिल काट ही देगा। वीडियो बन रही थी, डरा दिया गाइस इनका, अभी नए सीन नहीं डाला तो शॉर्ट दगी हो जाएगी। देखो मैंने इसको सीधा भी कर दिया था, मुड़ा हुआ था, गाइस बोल दिया, फिर मैंने गाइस बोल दिया। फैमिली बोलना है, फैमिली अभी ऑन है। मैं लेने गया था ये कैमरा, मैं सोचा चलो इसे वीडियो बना लेगा थोड़ी बहुत। डरा दिया, नहीं डरा मैं। फोटो खींच लो, खींचो, सिनेमैटिक प्लेयर हो गया। अबे टूटी हुई। ये सही है ना वैसे, बहुत ये वो वाले काम करने के लिए ठीक है ना। हेलो सरदा को कंजा करेंगे। साला एक बार सुन लो, अब गाइस नहीं बोला, अब फैमिली बोलना है। इसको अंदर डाल ले एक बार। हमने हेयर कट गॉन रॉन्ग, गॉन रॉन्ग नहीं, गॉन सही जाना चाहिए। बाहर खाओगे तुम, आगे से काटने की जो आई नो, आगे से यहां पर भी एक कैमरा लगा है। बस ये मत, ये नहीं काटने, मजी से छेड़े भी वो नहीं, ना ये नहीं छेड़ने। साला को मजे आते होंगे काटने में। मेरा मुंह क्या दिखा रहा है, बाल दिखा करते हुए। पैसे दे देना सरदा को, साला को 10 रुपए पेड़ के नीचे बैठ के काटने में। तो गाइस यहाँ तक काटे बड़े कैमरे को देख ले, पीयूष मार खाएगा। मत कर यार पीयूष, सरदा की झोली में बाल डाले हैं। झोली भर दो मेरी तुम मोहम्मद, डाल दो इसमें। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, तेरे दर पे ना दाई दवाली। दारी जी शादारी रे शार। शुक्र वो माम। मामा। ऊपर गर्म हो, देख भी रहे मेरे को। चल अपने बाप को मसी का। याद है? ऊपर का मुंह पहले तो देख ले। चल चल अपने बाप को मसी का। सारे काट दो। सारे मत काटियो। मतलब फिर को लड़की लग रहे हैं आप। है ना? बारबी का ओ एक छोटी छोटी गर्ल, इसकी दाढ़ी भी है। उसको कर लेना है। मांग यार तू खराब मत कर दियो भाई मेरे को। चल अभी जो काट दो, मांग बनने का। और सरदा लड़की लग रहे हो। यार मेरे को ना गाइस लंबे बाल बहुत पसंद है, यहाँ से और ऊपर से थोड़े बहुत, लेकिन आंखों के आगे पसंद नहीं है और पीछे से भी ज्यादा पसंद नहीं है। तो मैंने आंखों के आगे वाले कटवा लिए और पीछे वाले भी। मजा आया बहुत, अब इन बाल को उठा दे यार, बहुत सारी कार भी तुम। चुन्नी बारबी गर्ल की चुन्नी। देखो गाइस यहाँ पे रिंग लाइट बन गई है, मैं यहाँ बैठा था तो पूरी रिंग लाइट समझ में नहीं आया। सो फैमिली अभी टाइम हो रहा है 11:30 और मैंने व्लॉग एडिट कर लिया है फाइनली। तो आज काफ़ी टाइम हो गया बिकॉज मैं कमीशन बना रहा था, आज मुझे आया एक A4 साइज पे, तो उसकी आउटलाइन मैंने कंप्लीट कर ली थी, उसके बाद मैंने एडिटिंग चालू की थी, तो अभी कंप्लीट हुई है। और अभी हाल देखो पूरा, आपको पता नहीं दिख नहीं आ रहा, पसीने से भीग गया हूँ मैं पूरा, मतलब कुछ ज़्यादा ही। मैं निकलता हूँ यहाँ से जल्दी से जल्द, मैं सोचा ब्लॉग एडिट करता हूँ मैं, फिर मैं साहिल के साथ चलाऊँगा आराम से, वहाँ कूलर में सोएंगे। और मैं वर्क को अब कल ही कंटिन्यू करूँगा बिकॉज इतनी गर्मी में मुझसे काम नहीं होने वाला। अगर गर्मी नहीं होती तो मैं कर लेता इसको अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है। एनीवेज आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलते रहे। और गाइस सब्सक्राइब जरूर कर देना, काफ़ी लोग हैं, मतलब 50% लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है फिर भी मेरी वीडियो देखते हैं, तो नीचे रेड कलर प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मिलता है जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।